अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख इकराम और आप देख रहे हैं एसके टेक। आज हम फिलिप्स 30 वाट एलईडी लाइट के ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। यह लाइट को मैंने ऑन कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका कुछ लाइट जल रहा है और बाकी का जो लाइट है वो ऑफ है। तो प्रैक्टिकल में हम यही देखेंगे कि आखिर इसका वजह क्या है, ये लाइट क्यों नहीं जल रहा है। तो चलिए हम इसे नज़दीक से और इसे खोल कर देखते हैं। ये एक फिलिप्स 30 वाट एलईडी लाइट है। यहाँ पुश लॉक है, बैक में पुश लॉक है, ये प्रेस करने से निकल जाता है। इसे हम निकाल लेते हैं पहले, जिसे मैंने थोड़ा पहले से थोड़ा लूज करके रखा हुआ है। इसे नजदीक से देखते हैं। ये इसका सप्लाई है, इनपुट, और ये रेजिस्टेंस के थ्रू इसे ड्रॉप किया गया है। और ये दो ओवरलेड प्रोडक्शन के लिए है, जो इनपुट पे और आउटपुट पे लगा हुआ है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है। चलिए आगे देखते हैं। और ये दो ड्राइवर आईसी है। ड्राइवर आईसी का काम ये होता है कि एलईडी में जो जाने वाला सप्लाई होता है, एलईडी को कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, न कि कम या बेसी नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो एलईडी जो है आपका ओवरहीट होने लगेगा, और जिसका वजह से आपका एलईडी खराब हो जाएगा, जल सकता है। तो इसका वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखने के लिए, यानी कि एक स्थिर में रखने के लिए, ये आपका ड्राइवर आईसी यूज किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ लाइट जल रहा था लेकिन कुछ लाइट नहीं जल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सप्लाई हमारा ओके है, सप्लाई जा रहा है, बाकी हिस्सा में जो नहीं जल रहा है ये मुझे कुछ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बर्न हो चुका है कुछ। यहाँ पे कुछ सल्फर भी है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। लगता है ये पानी जाने के वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो करके यहां से कुछ जल गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करते वक्त सिर्फ दिमाग ही नहीं, आंख भी थोड़ा सही होना चाहिए और आंख खुला भी होना चाहिए। हर वक्त इधर उधर मीटर से चेक करने से नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसा है जो बस नज़र से ही पकड़ा जाता है, जैसे कि अभी अभी आप देख रहे हैं, ये जो है ये फॉयल जो जल चुका है, ये प्रिंट जलने के वजह से ये जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब इस फॉयल के जगह में मैं एक जम्पर, हम कोशिश करेंगे एक जम्पर लगाने का, और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जम्पर लगाने का तैयारी करते हैं।
चलिए अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारा जंपर सही तरीक़ा से लग चुका होगा। इसे एक बार नज़दीक से देख लेते हैं, कहीं ये आपस में शॉर्ट तो नहीं हो गया। नहीं, ये क्लियर है। चलिए इसे थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। चलिए एक्स्ट्रा जो वायर है उसे हम काट लेते हैं। थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं ताकि ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए। जैसे कि मैंने बताया, ये एक ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए है। अगर ये ओवरलोड वोल्टेज कहीं से आ जाता है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, और इसके वजह से ये दो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ये ओपन हो जाएगा। ये दो रेजिस्टेंस जो है फ्यूज का काम करता है, ओम्स रेजिस्टेंस है ये। जैसे ही ये शॉर्ट होगा ये ओपन हो जाएगा, तो आगे ये सप्लाई जाने नहीं देगा। कोई बड़ा हादसा होने से या बड़ा कोई फॉल्ट होने से ये इसे रोक लेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सप्लाई देकर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये बिल्कुल कामयाब हो चुका है, और सब लाइट जल रहा है, बिल्कुल सब एक जैसा जल रहा है। आप देख सकते हैं, सिर्फ एक फॉइल जल जाने की वजह से जो है हमारा लाइट जो है बंद हो गया था, सप्लाई जाना। बस जम्पर लगाने के वजह से ये फिर से काम करने लगा है, आप देख रहे हैं। जैसे कि ये एलईडी सब आपस में सीरीज में लगा होता है, अगर एक पर सप्लाई जाना बंद हो जाए या फिर एक अगर ओपन हो जाए तो ये दूसरा को सप्लाई देना बंद कर देता है, जिसका वजह से दूसरा लाइट जल नहीं पाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आंख भी खुला रखना चाहिए। आप लोगों ने देखा कि मीटर का यूज़ करना नहीं पड़ा, मेरे सामने वो दिख गया। तो अगर मैं उसको अवॉइड करता, उसको नहीं देखता, तो मुझे ये सब आगे ये सब चेक करना पड़ता, हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी कंपोनेंट बहुत सा होता है जो जल जाता है, कंडेंसर वगैरह बस्ट हो जाता है, एडिशन जल जाता है, जिससे आँख से देखने ही से समझ में आ जाता है। तो मेरे कहने का कोई गलत माने ना निकाले। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।